तो ये कंपेयरिंग इतनी प्यारी है, बहुत बहुत मुबारक। आप सबके बीच आकर, आपके प्रोजेक्ट्स देखकर, आपको सुनकर, मैंने जो कुछ प्लान किया था बोलने के लिए मैं पूरी तरह से भूल गई। तो अब जो भी मैं बोलूंगी वो दिल से बोलूंगी और आप सबके मिलने के बाद बोलूंगी। पहले तो अनीता का बहुत और पुकार का बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आप सबके बीच में आने का मौका मिला और इतना बढ़िया रिसर्च और इन पार्टिसिपेंट से बात करने का मौका मिला। आप सबके लिए बहुत बहुत जोरदार ताली। कुछ बातें हैं, अनीता ने कहा था कि मेरा काम, मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा मैं बताऊं जो मुझे लगे कि शायद आपके कुछ काम आए, तो मैं शुरू से शुरू करूंगी। मेरा बचपन एक बहुत ही अच्छी बच्ची वाला बचपन था, मतलब मैं सुनने वाली बच्ची थी, शरारत भी करती थी तो दायरे में करती थी। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी और मेरे माँ बाप को शान से सर उठा के जीना है इसका मुझे बहुत एहसास था, तो मैं बहुत ओबीडियंट बच्ची। इस ओबीडियंस में मैंने सीए भी पास कर लिया। नहीं, इसमें कोई वाव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि काम करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ और चीज़ के लिए बनी हूँ। और यहाँ मेरी ज़िंदगी का पहला सीख मुझे मिला, हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में हमें ओबीडियंस सिखाया जाता है, मतलब जो बात बोली जाए वो सुनो, फिंगर ऑन योर लिप्स, कीप योर ईयर्स ओपन, सवाल बगैर हाथ ऊपर उठाए मत पूछो। जब जिंदगी भर आपको ओबीडियंस सिखाया गया है तो बड़े हो के आप आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सीखोगे। जिंदगी भर की ट्रेनिंग 20-22 साल के होने के बाद में जब आपको सवाल उठता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो एक कंफर्टेबल सवाल नहीं था। मैं अपनी डिग्री और अपने बचपन की बहुत आभारी हूं क्योंकि आज मैं जो भी हूं उसी के कारण, बट उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ओबीडियंस बहुत ओवररेटेड है और कंसिडरेशन बहुत अंडररेटेड है। जब आप कुछ सुने तो उसको कंसिडर करें, उसको इवैल्यूएट करें। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई, बट जब समझ आई तो मैं उसके गार्ड बांधी कि हर बात सुनो, कंसिडर करो और अपने बस की जितनी है उतनी करो, अपने बस की जितनी नहीं है उसको साइड में रख दो। काश मुझे ये पहले पता होता, बट जब पता चला तो मैंने सुन लिया। जब काम पसंद नहीं आने लगा तो मैंने कहा नहीं, पसंद का काम चाहिए। अब ये समझ में आ गया था कि पसंद का काम क्या नहीं है, बट ये तो नहीं समझ में आया कि मुझे करना क्या है। वहां चल के मेरे लाइफ का पहला एक्शन रिसर्च शुरू हुआ, विच इज पहले तो काफी साल निकल गए ये सोचते सोचते कि मुझे करना क्या है। मुझे लगा कभी ना कभी तो मुझे ये एक आकाशवाणी आएगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, लेकिन वो मोमेंट आ ही नहीं रहा था। कुछ ऐसे सुबह उठ के लग ही नहीं रहा था कि बस ये करना है, तो रियलाइज हुआ नहीं, घर से तो निकलना पड़ेगा, ज़रा लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो कुछ 13 साल पहले मैंने अपने CVs के प्रिंटआउट्स निकाले और या तभी तो गूगल मैप्स इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने एक ये हार्ड कॉपी ऑफ द मैप निकाला और मेरी गली में जितने कॉर्पोरेट्स थे वहाँ पर मैं एंटर करने लगी। वहाँ पर मैं रिसेप्शन, ऑफिस बॉयज, गार्ड्स, जो नीचे लोग काम करते थे उनसे पूछती थी यहाँ काम क्या होता है, यहाँ का एक्सपीरियंस क्या होता है। और वहाँ जहाँ मुझे ये समझ में आने लगा कि सवाल पूछने से हम बेवजह झिझकते हैं, ज़्यादातर जब आप सवाल पूछे तो लोग जवाब देते हैं और बहुत प्यार से देते हैं, क्योंकि सवाल हमारे दिमाग में अड़चन है, उनके लिए नहीं। उस पूरे एक्सपीरियंस में मुझे इतने सारे लोग इतने प्यार से मदद करने लगे, मुझे बताने लगे क्या तुम्हें नौकरी चाहिए, इसको लेटर लिखो, तुम्हें क्या करना है, ये करना है, उससे बात करो। जस्ट पूछने से मुझे पता चला कि मेरा रास्ता कहाँ है और ये पूछते पूछते मैं पहुँच गई एडीवाइज ऑफिस में, जहाँ मुझे एडीए मिला। वैसे उसके डिटेल्स अलग है, बट मेरा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ से मेरे पूछने की झिझक चल गई। और आप जो आज कर रहे हैं, आपका ये जो एक्शन रिसर्च है, ये यही है, आपको समझ में आता है कि सेंसिटिव क्वेश्चनिंग क्या होती है,
किस तरह से जवाब ढूंढे और जवाब अपने आप को कैसे अप्लाई करें, ये मुझे उसका पावर तब रियलाइज हुआ। अब एडी की मैं नौकरी तो मिल गई, लेकिन मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेवलपमेंट सेक्टर का डील नहीं आता, तो अब क्या करें। तो मेरे लाइफ का सेकेंड एक्शन रिसर्च शुरू हुआ, जहाँ मैं ट्रैवल करने लगी, संस्थाओं से मिलने लगी, मुझे अनीता जैसे गुरु मिल गए, उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, और हर जगह हर फॉर्म और शेप में, जब तक मुझे समझ में नहीं आता था सवाल मैं पूछते रहती थी। और उस टाइम पे मेरे को एक बहुत ही दुखी रियलाइजेशन ये हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा पॉवर्टी, सबसे बड़ा डीप पॉवर्टी इज द पॉवर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन। द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बिगनिंग ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स। इवन द स्मॉल डिसीजन ऑफ डूइंग माई सीए वुड हैव बीन डिफरेंट अगर मैं इन्फॉर्म होती। लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ना अपने हक के बारे में, ना अपने लॉज के बारे में। हम पिछले तबकों के लोगों के बारे में बात करते हैं, आज की तारीख में एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में कोई महिला को ये भी नहीं पता कि अगर उसके साथ कोई इशू होता है तो वो FIR कैसे दर्ज करे। बेसिकली पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड, एंड एडीजी का सारा काम उन संस्थाओं के साथ है जो कम्युनिटीज के साथ में उनकी मर्जी से, उनके पार्टिसिपेशन से और उनसे पूछ के उनके साथ काम करें। द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बिगनिंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैं आपके सामने ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये और मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, बट मुझे ये सब आज 13 साल हो गए, मेरा 13वां साल शुरू हुआ है डेवलपमेंट सेक्टर में। ये सारे जब ये सब पता चलने लगा कि दुनिया में इतने सारे मुद्दे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने आया कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैं पुकार जैसे काम कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं अकेडमिया में काम कर सकती हूँ? नहीं। क्या मुझे इतना आता है कि मैं कोई NGO चला सकती हूँ? नहीं। ये पूरे सिस्टम में मेरा क्या रोल है, इसको ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। वो ढूंढने के वक्त में जो बेचैनी होती है, जब हमें पता नहीं होता कि क्या करना है, बट हमारा जज्बा होता है कि हाँ कुछ तो करना है, ये बहुत प्यारा टाइम होता है। जब हम उसके बीच में होते हैं, उसको एहसास नहीं होता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बट गेस, लाइफ इज लाइक गूगल मैप्स। आप में से सब गूगल मैप्स यूज करते हैं? करते हैं? गूगल मैप्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है? और गूगल मैप्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो आपको बहुत रास्ते दिखाता है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको वो रेड डॉट दिखाता है। गूगल मैप्स का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बताता है कि आप कहाँ खड़े हो। अगर आपको ये नहीं पता चले कि आप कहाँ खड़े हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है? इतने सारे काम हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी चीजें हैं करने को। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ इंफॉर्मेशन इज अ वेरी अंडररेटेड वैल्यू। आपने जो आज यहाँ से सीखा है, उसको सेल्फ पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। क्रांति दुनिया में बहुत कम लोग लाते हैं, लेकिन क्रांति अपने घर में हर एक आदमी ला सकता है। हमारे घरों में क्या होता है, ये हमारे हाथ में। अगर हम अपना घर नहीं बदल सके, तो दुनिया नहीं बदलेगी। और हमारा घर बदलना भी कोई आसान काम नहीं, ये हम सबको पता है। तो इतने ब्राइट रिसर्च स्टूडेंट्स, ऐसी संस्था और इतने महान इंस्टीट्यूशन में खड़े रहते, मुझे ये नहीं बताना कि रिसर्च बेटर कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट में क्या करना है, इंडिया कैसे बेटर हो सकता है। मैं आप सबसे यही बता रही हूँ कि घर जाके आज का जो ये एक्सपीरियंस है, इस साल का ये जो एक्सपीरियंस है, उसको अपने अंदर बंद करके रखें और इसको हर रोज़ याद रखें, जब आपको सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, और फिर सोचना है कि मैं आज कहाँ हूँ। थैंक यू।